Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Chacha ji! Chacha ji, I don't want to cut the pitch. I'm going to cut the pitch. अब सामने वाला मुझे क्या पता कहाँ उड़ा रहा है, मुझे काटने देगा कि नहीं काटने देगा मेरे को। और उसकी क्यों काटूं यार, तू मेरा मैं तेरी काटूंगा। एक ही पतंग थी मेरे पास। ओले और आ गई, ओले ओ किधर है, किधर आ अटर। साता जी ओ मैंने देखी पहले, पहले मैंने देखी, पहले किसने देखी उसकी? मैंने अर्चना जी, मैं आपके भरोसे थोड़ा सा मोहल्ला सजाया नहीं मैंने, ये बधाई लेने वाले पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पे। शर्म नहीं आती आपको बच्चों की पतंग लूटते हुए? हाँ। और तो पतंग बच्चे उड़ाते हैं, बुजुर्गों के क्या मैं पजामे लूटूंगा? और तू तो अपना भूल गया, और जब छोटा था हर लोहड़ी को अर्चना जी मैं अपनी जान पे खेल के इसके लिए पतंग लेके आता था, भूल गया? तो पैसे दे के भी ला सकते थे, आपको चोरी करने की आदत है। मेरा क्या कभी यार इनको बेच के आप आधा किलो मूंगफली क्यों नहीं ले आते? ये बेटे ये तेरी सोच है, आधा किलो बेचने जाओगे 250 ग्राम नहीं मिलनी, मेरे को पता है। आपको पता आपकी यही हरकतों की वजह से चाची छोड़ के भागी आपको। हाँ। तू भी उसकी बातों में? अरे भागी नहीं थी वो तो बेचारी चल के गई थी पड़ोसी के साथ। वो तो ऐसे जा रही थी, लोगों ने जब चिल्लाया अरे पकड़ो पकड़ो तो फिर उसको भागना पड़ा। इल्जाम लगा रहे हो। देखो मैं हूं आपका भतीजा, आप मेरे चाचा हो, मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता। मैंने ना आपकी उम्र की दो लेडीज हायर करनी है। Oh, उनको बोलना है आपका मुंह ना घुटनों में देख के पीटे आपको, हरकतें बड़ी खराब है आपकी। और तेरे को मैंने समझाया था लोड़ी है नंगा मुंह लेके नहीं आना, मुंह पे लिफाफा डाल चल। मेरी बात सुन, पहले मास्क नहीं चलते थे, ये लिफाफे वाली गाइडलाइंस नहीं आई है? नई गाइडलाइन के हिसाब से तो ये वाला मुंह शाम 5 बजे के बाद अलाउड ही नहीं है। अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं पता। अरे छुपा ले चलान हो जाएगा इसका। अच्छा मेरे मुंह का चलान हो जाएगा, अपना खुद का मुंह ये देखते नहीं है। आपको पता है आपके मुंह जैसे श्रीलंका में समोसे आते हैं। कपूर शर्मा अपने चाचे को समझा लो। उनको क्या समझाऊं, तुझे मैंने समझाया तू आज तक समझा क्या? 40 साल का हो गया, 39.5 साल से मांग के खा रहा है, 6 महीने चलो बच्चा दूध पीता रहता है, उसके बाद से मांग रहा है, आज तक मांग रहा है ये बंदा। तो बेटे ये इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वो कोई जानबूझ के उसकी जिद थोड़ी है मांगने की, वो मुंह ही ऐसा, लोग तरस खा के ऐसे छुट्टे दे देते तो मना करते वो। कसम से मतलब अब तो थोड़ा ठीक लगने लगा, बचपन में उफ ऐसा इसका मुंह था ना, तब तो कोरोना भी नहीं आया था, इसके मम्मी पापा वैसे ही मास्क पहनते थे कि अगर हमने मास्क उतारा हमें पहचान के मम्मी पापा ना बोल दे। अर्चना जी वो सेफ्टी होती है, वो हाइजेनिक थे थोड़े मेरे मम्मी पापा, वो हमेशा ख्याल रखते थे कि बेबी के पास जर्म्स ना चले जाएं। चल बेबी के पास जर्म चले जाए, 2.5 किलो का बेबी पैदा होता 3.5 किलो मक्खियां बैठी हुई थी। उस दिन नमकीन खा रहा, नमकीन के ऊपर मक्खियां बैठी, और मैंने कहा मक्खी वाला नमकीन खा रहा, कहता है अभी बैठी अभी देखना मैं हाथ डालूंगा उड़ जाएंगी, उड़ गई, कहता ये देख जा यार। हां वो फिर क्या हुआ, इसमें आया करने वाली कौन सी बात है, जब मक्खियां मेरा जूठा खा सकते मैं मक्खियों को जूठा नहीं खा सकता। देख मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरा तुमसे बात करने का दिल नहीं कर रहा। कपूर शर्मा मेरी बात, आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम, शट अप यार तेरी बात सुनो। ओ रुक जाओ यार रुक जाओ कपूर शर्मा। नहीं नहीं तुम बोलो, तुम्हें डेमोक्रेटिक कंट्री, तुम लोग बोलो। इतनी खूबसूरत लड़की है, फ्लाइंग किस्मत दे रही, उसको छोड़ के मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है। ये मेरे लिए ऐसे कर रही है कि उनके लिए कर रही है? तुझे लगता है? अच्छा कपड़े देख। तो कपूर शर्मा लोहड़ी का त्योहार है और लोहड़ी में हमें बधाई मांगनी चाहिए। कपूर शर्मा मांगने के लिए तुझे कब से त्योहारों की वेट करनी पड़ गई? क्यों तू तो वैसे शौकिया मांगता रहता है, ये पहला आदमी है जिसको ना तो दुकान का शटर खोलना पड़ता है ना ऑफिस जाना पड़ता है, चलते चलते मास्क नीचे करता है। बेशर्म तो इतना है ना, उस दिन बाहर लेटा हुआ था, कोई आदमी आके ऊपर कंबल दे गया, इसने बाजू पकड़ ली, कहता कंबल तो सारे दे जाते, बोतल भी दे दिया करो। तो तुझे शर्म नहीं आती क्या यार? वो तो बच्चे, तू भी बच्चा। मेरी पतंग दिलवा यार, मैंने उड़ा। आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र का लिहाज करो, बच्चों की पतंगे लूट रहे हो आप। बेटे उम्र क्या होती है, ये जस्ट एक नंबर है, मैंने आज भी अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखा। बेटे एक काम करो, आपके अंदर वाला जो बच्चा है ना उसको समझा लो, नहीं तो उसके चक्कर में जो बाहर वाला बुजुर्ग है ना ये पिटेगा, मैं बता रहा हूँ आपको।
और आप लोग फटाफट निकलो, आज लोहड़ी स्पेशल एपिसोड है, गेस्ट आने वाले हैं, आप लोग कहीं निकल गए मर जाओ। मैं फ्लाइट फिर करा लूं अपनी, पक्की करा लो, पंजाबी करा लो। मैं अपने मैनेजर को फोन कर लूं, मैं जा रहा हूं फिर। मैं जाओ 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 यार। हेलो सोनू सूद भाजी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पंजाब भेज दो, ताजी देख लो आप ही। थैंक यू भाजी। हाँ चंदन तूने जाना, मेरी टिकट हो गई जाना भाजी। एक मेरा दोस्त मुझसे भी गरीब है, प्लीज उसकी भी करा दो, आप ही जल्दी करा दो भाजी। थैंक यू भाजी, थैंक यू। मैंने उधर जाना। तमाम देशवासियों को लोहरी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। अर्चना जी, लोहरी के दिन क्या होता है आपको पता ना? ये मत कह देना इस दिन अपने से बड़ों को गिफ्ट देते हैं, आपका ध्यान गिफ्ट लेने में रहता है। आग में जाकर, लोहड़ी में जाकर पॉपकॉर्न खाते हैं। खाने पीने वाली बात, ये कोई उसकी बैकग्राउंड को पता नहीं। उस दिन एक होते ना वॉचमैन, उन्होंने आके सल्यूट मारा, कहता मैडम हैप्पी न्यू ईयर 100 रुपया, इन्होंने 5 सल्यूट मारे, कहती अपना 100 काट के मेरा 400 दो। ऐसे काम बड़े करते हो आप। लोहड़ी का मौका है, थोड़ा पंजाबी स्टाइल में नाच गाना होना चाहिए, इसलिए आज हमारी लोहड़ी को और भी मजेदार बनाने के लिए मैं एक एक करके ऐसे आज फूल लेके आया हूँ, गुलदस्ते में से एक एक करके निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं जिन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ, इन्होंने अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सबकी फेवरेट, प्लीज वेलकम जसविंदर नरूला जी। जोरदार तालियां जसविंदर जी के लिए। अच्छा, बॉलीवुड में भी जब ये आई, प्यार तो होना ही था गाने से इन्होंने एंट्री ली, और हमारे शो पे भी आ जाएं तो प्यार ही होना, तो प्यार तो होना ही था लोगों को आपसे, और इतना प्यार करते हैं हम आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी, लव यू दीदी, थैंक यू, लव यू लॉट्स, एंड आई मस्ट शेयर दिस। मेरे वो सब दोस्त, मेरे वो फैंस, मेरे रिश्तेदार, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, बडीज मेरे और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, सबको उनको मैं बोल दूं कि देख लो आज मैं कपिल शो में आ गई फाइनली। लेकिन मैं कपिल से पूछना चाहती, तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे यहाँ बुला के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो आपको सालों से सुनता आ रहा हूँ, इतने सारे खूबसूरत गाने, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मुझे तो लग रहा था कि अभी तक आप हमारे शो पे क्यों नहीं आई, आप मेरे दोनों वैक्सीनेशन लगने का वेट तो नहीं कर रही थी। इससे कोई जीत सका है कभी? मैं दीदी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है, आई मीन, पर मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। अच्छा, हमारी ऑफिशियल मुलाकात हुई ना जो, वो भी स्टेज पे हुई, देखो कलाकारों का मिलन कैसे होता है। दीदी सीआरपीएफ के शो में गा रही थी, मैं भी गया, मेरे से रुका नहीं गया, मैं इनके चलते शो में चढ़ गया, मैं दीदी तो नीचे लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये भारत मिलाप हो रहा है, पर थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू। और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आज, जब आप गा रही थी ना तो वो जो भाई साहब कुर्ते में बैठे ना वाइट बालों वाले, इनको पता नहीं क्या हुआ, आप गाने का एंजॉय कर रहे थे कि पजामे में घुस गया था कुछ, पता नहीं पूरी फीलिंग ले रहे थे, मैजिक नहीं वो तो है मैजिक। ओह माय गॉड, नहीं नहीं बहुत, मैं अपन देखा आपको पूरा एंजॉय कर रहे थे आप। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, पर ज्यादा ना करें, उनके पति भी आए हुए हैं बैक स्टेज पे, वो मेरी भी बहन है। वो तो आपने पति वाली बात के बाद बोला ना। टू यू दीदी, थैंक यू, और आपको भी सर बहुत बहुत, आपको भी लोहड़ी मुबारक सर। और अब वक्त है एक और खास मेहमान को यहाँ पे बुलाने का, प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, बड़ी प्यारी स्माइल है इनकी और बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है, दिव्या दत्ता जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कपिल, थैंक यू। आपके आने से हरियाली आ गई है ना, मेरी एंट्री भी हरियाली वाली थी। देखो आप वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं, बेड़ा गर्क हो कोरोना का, जिसने इतनी खूबसूरत स्माइल मास्क के पीछे छुपा रखी थी। इसीलिए मैंने कहा जब भी दिव्या जी को मिलना शो पे मिलना, ताकि मास्क उतार के आए, कितनी प्यारा मुस्कुराती है। थैंक यू, दिल से मुस्कुराती हूँ। और आप, हाँ, और आप यहाँ बुलाते हैं तो इतनी हंसी आती है, स्माइल्स आ जाती है और जेन्युइन मुस्कुराहट आती है, सो थैंक यू रियली। थैंक यू दिव्या जी। और मुझे ना इनके टैलेंट एक एक करके पता चलते हैं, क्या बहुत साल तो मैं इनको एक अच्छी एक्ट्रेस मानता ही हूँ कि है ही, उसके बाद जब इनका एक अंदर का राइटर वो सामने आया, पोइट्री करती हैं, इनके भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी बड़ी अच्छी पोएट्री करते हैं। आपको याद है दिव्या जी जब पिछली बार हमारे एपिसोड पे आई थी, खूबसूरत पोएट्री तो वो उनकी लिखी हुई है।
तो दिव्या जी फिर लॉकडाउन में आपने कुछ लिखा? मैंने एक किताब लिख डाली। अरे वाह, वो तो आपको मैंने बिल्कुल सुना है, पर मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ लॉकडाउन में अगर कुछ ऐसी रचना की है तो। जी रचना हो गई थी, वो मेरी पहली पोएम थी। मुझे लगता है कपिल के शो पे ऐसा रिस्पांस मिला, मैं भी इंस्पायर हो गई कि मैं एक पोएम लिख लेती और जब आऊंगी कपिल के शो पे फिर सुनाऊंगी। सुनना चाहेंगे। सो दिस पोएम इज जब सब ठीक होगा ना, जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे, वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक दमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे, वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताज़ा करना, वो टी शर्ट पजामे में आर डी बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयाँ करना, वो मस्ती वो पिलो फाइट्स वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो ज़रूर करते रहेंगे। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज़ का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। जो गलत कर दिया था हमने उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। और लिखा तो इतना खूबसूरत है, ये बोलती इतनी अच्छा है ना, इतनी भगवान का ये गिफ्ट ही है। उनकी आवाज भी इतनी प्यारी है। थैंक यू। और ऊपर से थोड़ा सा मुस्कुरा देती तो और तालियां। बहुत प्यारी लग रही है, आइए प्लीज विराजमान हो रहिए। अरे दिस इज लाइक, दिव्या जी ने हॉलीवुड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनका ऐसा मानना है कि कहीं पे भी काम कर लो जो मजा कपिल शर्मा शो में आता है ना, आई एग्री, आई एग्री एब्सोल्युटली। ओह जसविंदर दीदी बजट देखो आप हमारा, नॉर्मली सिर्फ फ्रूट रहते हैं, किसी गेस्ट को ये सब नहीं मिलता है, हमें मिला है रेवड़ियां ये वो सब, और यहाँ से शूटिंग करके ये सारा सामान हम कौन बनाए करोड़पति पे ले जाएंगे। चैनल का बजट इतना ही होता है। ये बचेगा तो ना, ये तो अभी देखना, तुम आने दो वो तीसरे को। नहीं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ रूल्स हैं, जैसे शो खत्म होगा ना तो उसके पहले पहले हम ले लेंगे, अगर अर्चना जी आ गई। अर्चना जी कितनी प्यारी लग रही है आप, लवली, हमेशा ऐसे एक थप्पड़ मार के ना फिर बोलता है। पता नहीं मैंने देखा ये स्पॉन्सर्ड सूट आप पे जचते ही बड़े हैं। तू भी स्पॉन्सर करा ले, तू भी अच्छा लगेगा। ये मैं पता कितनी मेहनत करके आज ये लगा के आया हूँ। आज तूने अलग सा कोट पहना है, ये पहले नहीं पहना कभी। मैंने सब लग रहा है। हाँ क्या बात कर रही है। अरे मैंने ना आपकी फोटो देखी अभी थोड़े दिन पहले, आपके ब्रदर आप और सलमान भाई जी, तो आप उस समय बहुत छोटी थी जी। अब आप खुद स्टार बन गई, अब आपका दिल करता है किसी के साथ फोटो लेने का? आपके साथ। हाउ स्वीट ऑफ यू, ये तो चलो हो गया मुंह पे आंसर देने वाला। जो पर वैसे कोई और आपका ऐसा फेवरेट हो? एक्चुअली मैं बड़ी खुशकिस्मत रही इस मामले में, कपिल के बहुत खूबसूरत लोगों के साथ काम किया, और ये जो किताब मेरी आई है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनके साथ मैं तस्वीर लेना चाहती थी, फिर उनके साथ काम किया और अब उनके साथ खूबसूरत रिश्ते हैं। तो ये जो सलमान वाली तस्वीर आपने देखी है, तब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि आई कैन जस्ट लेट आउट द सीक्रेट, अर्चना आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन सलमान। रियली? तो मैंने प्यार किया आई आई थी अभी, और मेरे अंकल जो थे वो डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मैंने कहा सलमान के साथ तो फोटो खिंचानी, और मुझे एक तब से था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे था मैं सलमान के बिल्कुल आगे बैठती हूँ, ऐसे फ्रंट रो में बैठती हूँ, तो मुझे वो देख लेंगे शायद कहें कि ये लड़की बड़ी क्यूट है इसको हीरोइन बनाते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे ज़बरदस्ती वो तस्वीर लेनी पड़ी। अच्छा। लगवा के पेच के हेलो मेरे साथ फ़ोटो ले लो। मैं डायरेक्टर की भतीजी हूँ। लेकिन बहुत साल बाद देन आई शॉट विद हिम इन अ फिल्म। पर ये जो बात आपने बोली ना ब्लेसिंग वाली, ये कि वाकई जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मैं जिन जिनका फ़ैन रहा हूँ ना, जैसे जसविंदर दीदी आपकी भी अगर मैं बात करूँ, इतना मैं बचपन से आपको सुना आपके गाने, मेरे को पता नहीं था कि हमारी मुलाकात एक दिन ऐसे स्टेज पे होगी,
और आज आप हमारे शो पे आई, हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। मैं एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आपकी टीम की कपिल, क्योंकि आपने कितने सालों से पता नहीं किस किस को जिंदा रखा है। एब्सोल्युटली आपकी खुशी ने, आपकी स्माइल ने, आपके चुटकुलों ने, आपके ये जो विटीनेस है जो आप लोग करते हैं स्टेज पर, ये सब कलाकारी, आप ऐसे कलाकार हैं कि मतलब आप लोगों ने पता नहीं पूरी दुनिया पे जो है एक अलग ही रंग अपना फैला दिया है। wow. मतलब हर जगह जहाँ जाओ। सो आई एम रियली, मैं सच्ची शुक्रगुजार हूँ, ऐसे लोग होने बहुत जरूरी थे। अच्छा प्यार तो होना ही था जब इतना सुपर हिट सॉन्ग हुआ। अच्छा पहले तो ना मुझे यकीन नहीं होता था, मैंने कहा ये पंजाब से है और इतना स्टाइल में, थोड़ा वेस्टर्न भी आता, तुरु ये सब चीजें, मैं बड़ा वो। फिर इनको फिल्म फिर जब मिला, वो जो फिल्म फिर आ रहा था ना टीवी पे, उस समय मैं सो रहा था। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने बताया कि वो गाने के लिए उनको अवार्ड मिला। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अवार्ड लेने गई तो उस समय आपको आइडिया था कि ये जो लड़का अभी सो रहा है एक दिन मैं इसके शो पे जाऊंगी। दीदी सॉरी आई लव यू। इसने कहीं ना कहीं मुझ पे मारनी थी बात। हाँ। क्योंकि मैंने आज आते ही मार दी, आज छक्का मार दिया मैंने, तो इसने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे कैसे देख सकती थी सोते हुए वहाँ, बताओ मुझे, अब बताओ। अब आज तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, बट आई लव यू, लव यू टू दीदी, थैंक यू। अब वक्त है हमारे अगले मेहमान को यहाँ पे बुलाने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड सिंगर एक्टर मिस्टर जसबीर जस्सी। क्या बात है बाजी, जस्सी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी जस्सी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जस्सी पाजी, जसविंदर जी, दिव्या जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग लोहड़ी मनाने पंजाब आए हुए हैं, सीरियसली। और सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कपिल पाजी, लव यू। आपने तीन बार मुझे बुलाया, आज तीसरी बार है। अगली बार से मैं पैसे लूंगा। और जसविंदर जी ने जो बोला है ना, वो मैं थोड़ा सा इमोशनली बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत लोगों को जिंदा रखा है, उसमें मैं भी हूँ। अरे पाजी आपने दोबारा से मेरी इनिंग दी है। पर एक बात मुझे ना अर्चना जी, ये मैं सोचता रहता हूँ कि पहली बार आपने बुलाया दो सीनियर आर्टिस्ट और एक सिनर आर्टिस्ट। निक्का को बोल रहे दो सीनियर एक सिनर मिका, है ना। दूसरी बार मैं मिका की तैयारी करके आया, आपने दो सोफिस्टिकेटेड एक नीरज और अलीशा को बुला लिया। है ना। अब मैं वैसे सोच के आया हूँ कि थोड़ा सोच के गाने गुने गाएंगे ये वो, आपने ये दो स्कॉलर बुला लिए मेरे सामने। स्कॉलर थैंक यू। मतलब जसविंदर नरूला जी ये तो वैसे PhD करके बैठे हुए, डॉक्टर बन के बैठे हुए म्यूजिक की, है ना। वो हैं ऑथर हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या किताबें लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से, मैं एक दिन इनको देख रहा था, इन्होंने ना एक किताब लिखी है कोई अभी जो नई वाली स्काई, अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर उसके थोड़े सार मैंने पढ़े हैं, थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं कि उसमें आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है कि मतलब इन्होंने हेल्प की, इन्होंने की। आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया कि इसने कोई हेल्प नहीं की मेरी। आपने मेरी हेल्प कब की? यही लिख देते कि नहीं की इसी हेल्प। कब से मेरा? अगली बार। तो नेक्स्ट आपने एक्चुअल में आज तीसरी बार तो मेरे से बदला लेने की भावना में बुलाया। मतलब अगर मैंने थोड़ा कुछ बोला तो दिव्या जी बोलेंगी कि जैसे स्पीच नहीं ठीक ना, बॉडी लैंग्वेज देख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक्टिंग की। तो अगर इनका कुछ सुर लगा दिया, जस्सी की सुर लगाया की सी है, नीनू रे कही जा रहे हैं, रेनू माँ कही जा रहे हैं, माँ नू पा कही जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, एक पहला कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर से इटली, नीचे से देखो अमृतसर। ये भी मैंने डर सीगा कि इन्होंने ना कोई अंग्रेजी का नवा लफ्ज मारना होता मेरे को हर बार, कोई ना कोई कहते इंग्लिश का लफ्ज बोल देती है। मतलब उनसे मुझे ये डर लग रहा है कि कोई प्रोनाउंसिएशन से में प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे याद है
जब पहली बार बलजीत पाजी है ना दूरदर्शन वाले, वो हमारे गांव में आए थे, तो मैं उनका ना रेडियो पे हम लोग सुनते थे और मैंने उनको चिट्ठियां विट्ठियां डाल के पिंड बुलाया और मैं कहा पाजी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है, कहते ना कभी भी नहीं। नहीं वैसे तो पाजी पूरा देश विदेश घूमे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने अलीशा चिनॉय को अलीशा चेन्नई बोल दिया था ना, तो मेरे भी कुछ विचार ऐसे थे आपके बारे में। नहीं चलो जब पिछले एपिसोड में जब अलीशा बैठी थी तो ये काफी फ्लर्ट फ्लर्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। जब एपिसोड खत्म हो गया फिर आप उनकी वैनिटी के बाहर क्या कर रहे थे? यार बंदे आज की गल सारे पोल खोल देने। अच्छा लोहड़ी पे ना पंजाब में वो पतंगे भी बड़ी उड़ाते हैं। अच्छा? पंजाबी क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली पूरे नॉर्थ में मनाया जाता है। पाजी आपने कभी पतंग के पेचे लड़ाए कि आंखों से ही लड़ाए हैं सारे? नहीं मैंने पतंगे बहुत पेचे भी बड़े लड़ाए हैं। हाँ जी और पकड़ के भी रखी हुई हैं काफी पतंगे। पतंगे तो पर मैं उड़ाता एक दो ही हूँ। हम लोग नहीं हाथ पतंगों की बात हो रही है। ओह लोड़ी मांगने नहीं गया दीदी कभी? जो लोड़ी मांगने जाते हैं जाते, मेरे को पता था पक्का, पता नहीं क्यों मैंने कहा ये स्माइल का फायदा जरूर उठाया होगा, ये तो अभी इतनी क्यूट लगती हैं, बचपन में इन्होंने कितना फायदा उठाया होगा। हम लोग वो बोलते थे दे माई लोड़ी तेरा मुंडा चढ़िया कोड़ी, वो हाँ, करते हुए जाते तेरी थे जीवे जोड़ी दे माई लोड़ी। हाँ, और जो नहीं देता था उसका उल्टा कर देते भी हुक्का। नहीं मुझे दे देते तो हुक्का भी हुक्का बोले मुंडी ये हो तेरा कौन बेचारा। हाँ, वो भी तो बोलते थे, तो हमारे घर में बच्चे आते थे वो बोलते थे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको देना और प्रसाद और बड़ा अच्छा लगता था लेकर। कितनी सोफिस्टिकेटेड लोड़ी, हमें तो जो नहीं देता था ना हम उसके बाहर घर के बाहर कूड़ा रखाते थे कि हमें पैसे नहीं दिए जा फिर तू कूड़ा साफ करता रहे। अच्छा आप सबने जसविंदर मैम को इतने सालों से आप सुन रहे हैं, इनकी जितने फिल्मों में इन्होंने गाने गाए ना, आप चाहे देख लो आप प्यार तो होना ही था, होगी प्यार की जीत, रास्ते हैं प्यार के, प्यार दीवाना होता है, खुला प्यार करें, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि पेमेंट देखो ना देखो प्यार देखो, जिसमें प्यार है उसी में गाना गाना, ये कि कोइंसिडेंस है ये? क्योंकि मैंनु प्यार बहुत अच्छा लगता है, सारे अनु प्यार वंडना अच्छा लगता है। मैं सच ही कह रही हूँ ये कोइंसिडेंस ही है जो आप कह रहे हो, आज आपने बोला है तो मुझे ध्यान है कि हाँ मैंने इतने सारे प्यार की फिल्मों में गाने गाए हैं। और संगीत तो वैसे भी है ही ऐसी चीज कि वो आपको जो है उससे मिलाता है और जो रूठे हुए होते हैं उसको मना लेता है, तो संगीत तो है ही प्यार की बात, मोहब्बत ही है बिल्कुल वाकई। और लोहड़ी जो है वो तो वैसे ही हमारे सारे फेस्टिवल ही एक्चुअली मोहब्बत के एकदम सिंबल हैं, सिंबॉलिकली तो यार आपकी तरफ देखे ना मुझे बहुत मतलब मेरा दिल करता है फिलोसफी में चला जाऊं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करूं जो किसी को समझ ही ना आए यहाँ पर। सच्ची में मैंने ना इनकी जो इंटरव्यू सुनी है ना वो बहुत फिलोसफिकल है, तो इतना इंटेलेक्ट होता है ना आसमां में जब जाते हैं तो वहां पर बर्फ गिरी होती है ये ऐसा, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, मुझे लगता है आपके ख्वाबों में आ रही हूं मैं तो आड़िया। तो आज जब पैकअप होगा ना पहले आप निकलोगे। मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी गुरदास मान साहब के साथ शहीद-ए-मोहब्बत, हाँ बड़ी कमाल की फिल्म थी, मनोज पुंजी ने आई थिंक वो डायरेक्ट की थी, बड़ा ही कमाल का काम किया था आपने। थैंक यू। और भाग मिल्खा भाग में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया, थैंक यू, सच ए ऑनर दिव्या जी, आप बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं। हमारे शो में आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू, क्योंकि हीर आज कपिल स्पेशली मम्मी आई हैं, जबकि अच्छा मैं उनको कहीं लेके नहीं जाती पर ऐसे टाइम में आज चूंकि ये प्रोग्राम था तो इस वजह से वो कहने लगी मुझे जाना। चलो आज मेरी मम्मी नहीं आई, आपकी मम्मी आ गई, एक मम्मी तो चाहिए होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Hey!
साल लोहड़ी की शुभकामनाएं। और हमारे जितने फैन है अमरीका में, कनाडा में, पूरे देश में, बच्चा यादव की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। जस्टिन जी, जसविंदर जी, दिव्या जी, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी टू यू टू। ये अर्चना जी ने अपनी कार का कवर बनवाना था जिसका तूने कुर्ता बनवा लिया। जी नहीं। क्या आज बड़ा तैयार हो क्या है बच्चा तू? नॉर्मली हम टावल में आते हैं। कमाल का बात कर रहे हैं यार। I'm always fit, fat, ready. चलिए चलिए हो गया यार। थैंक यू दोस्तों, मजा आया। लेकिन जस्सी जी यार एक सामान लाए हैं आपके लिए। क्या? ये रखो। दिल? ये अरे वो पूरी गुजरात दी हाँ लेकर गई थी ना इनका दिल छीन के वापस लेकर आए। वापस ले आए? नहीं नहीं सही में उधर दे दो। नहीं सही में सर दे दो। इतना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है आजकल तो सेकंड लगता है। ओए 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 गलत बात है यार इतने टाइम तक सैनिटाइज कर रही है उनका कि पता नहीं पहले कितनों को दिया है। ओहो सीखना पड़ेगा आपसे। व्हाट पेस क्या रफ्तार से चल रहे हैं ये? नहीं लेकिन जसविंदर जी बहुत बड़े फैन है आपके। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके लग रहा है कैसा आपको? ये रिपीट क्यों कर रहे हो? अरे इन्होंने भी तो कहा था निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। ये रिपीट कर सकते हम नहीं कर सकते क्या? अच्छा लेकिन सच में आप इतनी कमाल की सिंगर हैं आपको हमारी उम्र लग जाए। अरे थैंक यू वाह वाह ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया यार जसविंदर जी। सो गॉड ब्लेस यू। आप हमारी तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे सारी दुनिया मर जाए तू अकेले घूमता रहे। व्हाट विल आई डू अलोन। आपको हमारी उम्र लग जाए लेकिन दिव्या जी आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं आपसे हमारा दिल लग जाए। नहीं नहीं और जस्सी जी को यार आप भी कुछ लगा लो यार 11 स्पॉन्सर लेके बैठे हो सब कुछ हम ही लगाएं क्या? वैसे आपको सच बताएं हमारे घर में ना संतोष हुई है तो संतोष के आने की खुशी में मिठाई लेके आना चाहते थे लेकिन ला ना पा सके। तो तुम्हारा बच्चा हुआ? नहीं नहीं वो भाई हमारे पहले से 11 बच्चे हमारा बच्चा नहीं हुआ है हमारी भैंसिया को बच्चा हुआ है संतोष। लेकिन एक नंबर का गधे का बच्चा है वो। पहले कंफर्म करो गधे का बच्चा है कि भैंस का बच्चा है? आपको गोद लेना है? टेक्निकली डीएनए वाइज भैंसिया का बच्चा है लेकिन अकल से एक नंबर का गधे का बच्चा है। लेकिन है बहुत प्यारा। क्या है कि हमारी खानदानी भैंसिया है ना तो प्यार तो करना है और हमें पाल पोस के बड़ा इसी ने किया। अच्छा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तू? मुझे लगता है बछड़े के हिस्से का दूध भी यही पी गया। ढंग की बात नहीं कर रहे तुम मेहमान आए। ढंग की बात करनी है। एक बार आदमी था सड़क पे निकला बारिश आ गई वो अचानक से फिसला और ढंग से गिर गया। ये हो गई ढंग की बात। दिव्या जी हमने सुना आपने किताब लिखी है। हाँ? जी आज के जमाने में कौन लिखता है छपवा लेती है। ये आइडिया अभी अभी आया मैं जाती छपवाती हूँ। उन्होंने जो जो लिखी है उसको छपवाया ही है। अरे तो छपवाना ही था तो भी लिखी क्यों? वैसे आपको एक सच बात बताएं जी आपने किताब छपवाई क्यों? डायरेक्ट नोट छाप लेती हैं। अब छापोगी? देखो किताबें छापने के बाद छापने तो नोट ही है ना। इतनी फालतू बात कर रहा है बच्चा तू। तूने लाइफ में कभी कोई किताब पढ़ी है? अरे हमने वो अपना चेतन भगत का टावल पढ़ा है। टावल नहीं है नावल होता है। नहीं नॉवल हमने नहीं पढ़ा हमने टावल ही पढ़ा। उनके टावल पे लिखा था 100% कॉटन डोंट वॉश विद वार्म वाटर हमने पढ़ा। बच्चा मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। गेट आउट और भाग यहाँ से। फालतू बातें कर रहा है। कैसा अजीब शिमला मिर्च और लाल मिर्च की सब्जी बना के क्या तू लग क्या रहा है ये? शिमला मिर्च लाल मिर्च। दिव्या जी हम आपसे कहना चाह रहे थे हमने सुना है अपनी किताब में अमिताभ बच्चन जी और जूही चावला जी और जावेद अख्तर जी के ऊपर ऐसे लिखा है थोड़ा बहुत दो चार पन्ने आपको हम पे भी लिखने चाहिए थे। क्यों तू है कौन? हम कौन है? आर यू आस्किंग मी? या
आपके डेढ़ घंटे के शो में महज 10 मिनट के लिए आते हैं हम। जो आदमी इतने बड़े शो में महज 10 मिनट ही दे पा रहा है वो आदमी कितना बिजी होगा। बच्चा अपनी भैंस ले और निकल यहां से, या फिर भैंस तो अपना बच्चा ले और निकल यहां से। निकल जाएंगे यार इतनी जल्दी भी क्या है, क्या हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता। जॉक सुनाता है। एक बार अपने ये जो रिमोट होता है ना और टीवी, हाँ, उन दोनों की शादी हो जाती है। तो जब रिमोट और टीवी का शादी होता है, इन दोनों में से दुल्हन कौन है? कौन हो? ऑब्वियसली रिमोट यार, टीवी तो रिमोट के इशारे पर ही चलता है ना। इशारे पर चल। एक और पेश कर दे, एक और जाने से पहले एक लास्ट जोक्स जो है। एक बार क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, हाँ, तो जो दूल्हा है वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी दुल्हन को किस तरफ बैठाना है, दाएं के बाएं? पंडित जी कहते हैं देखो बेटा जहां बैठाना है बैठा दो, शादी के बाद तो तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। चलिए हमारे चलते हैं अभी, बड़ा मजा आया। और वो दिल का देखिए एक्सेप्ट करती है तो थोड़ा देखिएगा। हाँ चलो बाय सर, बाय, नमस्कार, आ जाओ। आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, आप पिक्चर्स डालते रहते हैं अपने फैंस के लिए, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता ये देखने का कि कितने क्रिएटिव है हमारी जनता। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये जस्सी पाजी ने कहीं फोटो डाली है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये वाला त्योहार भी मनाते हो आप, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे? कहाँ की है फोटो पाजी? मसाई मारा, तंजानिया की। ओके, वाओ। या इट वाज लाइक मसाई मारा, इट वाज लाइक वेरी क्लीन वेदर एंड लाइक एयर एंड लाइक व्हिच कंट्रीज एक्सेंट यू आर स्पीकिंग राइट नाउ? दिस इज नॉट अफ्रीकन, नॉट अफ्रो। दोनों की अंग्रेजी माशाल्लाह, दोनों की। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से खाना शुरू करें? नहीं, मेरी तो इंग्लिश की, आई एम डूइंग वेरी वेल नाउ, बट फिर भी कई कई बार फंस जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा रेडिकुलस टाइप है, मैंने ना किसी से, मुझे काम था, हम तो मैंने सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन मार्क आगे ऐसे करके डाला तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़े टाइम बाद उसका आया कि जस्सी सॉरी आई लॉस्ट माई फादर। सॉरी, तो मैं डर गया। मैं कहा यार लॉस्ट मतलब हमने तो गुम गया, मतलब मेरे सामने हिसाब से तो गुम गया। तो मैंने लिखा कि वेयर। तो थोड़े टाइम बाद हमारे एक कॉमन फ्रेंड थी, उसका मुझे मैसेज आया, कहते यू नो हर फादर डाइड। मैं कहा नो हर फादर लॉस्ट। तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या आपके फैंस ने लिखे नीचे। ये क्या निकाल दिया? ऐसी फोटो खिंचाते वक्त लोग अक्सर कैमरे का ढक्कन निकालना भूल जाते हैं। नीचे लिखा जसबीर जैसी एल्बम के लिए प्रोड्यूसर ढूंढते हुए। जब शेर नहीं दिखता तो बंदा पीछे आ रही गाड़ी में बैठी लड़की को देखने लगता है। और दिखाइए। ये वो लोग होते हैं जो सफारी में 3 घंटे बर्बाद करके शेर ढूंढते हैं, फिर बाद में 10 रुपए दे के चिड़ियाघर में शेर देखते हैं। और दिखाइए। और मत दिखा। घूंघटे में चंदा है, धूप सेक रहा है, थ्रो बैक विंटर चिलिंग। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। इनके तो बड़े प्यारे प्यारे होंगे देखने। धूप के बहाने दोस्तों के घरों पे नजर रखती हुई, पुराने जमाने का सीसीटीवी। वेरी नाइस वन। पास में कहीं दादाजी भी लेटे होंगे, उनका चश्मा लगाया है, वरना लड़कियों की नजर तो वैसे ही तेज होती है। और आगे दिखाइए। रैंडम वन दैट इज। ओहो, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए वुमन। Just like the game of chess, it's the queen who protects the king. Wow. चलिए नीचे दिखाते हैं कमेंट्स क्या है।
पति बेचारा शादी वाले दिन ही तलवार पकड़ता है, बाकी सारी जिंदगी तलवार बीवी के हाथ में ही होती है। मैडम, ये ब्यूटी क्वीन का ताज आपने परफॉर्मेंस से जीता या तलवार दिखा के? तलवार की क्या जरूरत है, आप तो अपनी भारी आवाज में ही गाना गा दे, बंदा दबके मर जाए। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। ओह गॉड। मैडम आपका एटीट्यूड बता रहा है, सबसे पहले किटी आप ही उठाती होंगी। और दिखाइए। ओहो, तू पुट्ठी बैठ गई। लड़की को बोल रहे उल्टी बैठ गई। अच्छा, दिखाइए जरा कमेंट्स। यार कहां से निकाल के लाए हो ये स्कूटर, आपने खरीदा है या मसाले वाले डब्बे में से निकला है? लगता है किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, इसलिए लड़की को उल्टा बिठा के रखा है। गाने की शूटिंग है बाजी? हाँ। अच्छा, गाने की नहीं, मेकअप वाली कुड़ी थी। तो आप, मैंने देखा आप कोई भेदभाव नहीं करते। साज आके मारता। और दिखाइए। हाँ यार प्लीज, दिव्या जी की दिखाओ यार कोई। पाजी पर्सनालिटी अक्षय कुमार वाली है, टोपी पहन के राजकुमार राव रंग रहे। लगता है इनको लड़की पे भरोसा नहीं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उधर तो नहीं गई। गुड वन। ओह गुड वन। और दिखाइए। ना यार, हाँ लो चली मैं। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? दिखाइए जरा कमेंट्स। एटीट्यूड इज ग्रेट, लो चली मैं। लो चली मैं, कैप्शन ही गलत है, पानी में चलोगी कैसे, आपको तैरना पड़ेगा। किसी ने लिखा है ये पैर में कितने नंबर का जूता पहना है। रिप्लाई भी किया किसी ने, लगता है खली का जूता पहना है। और दिखाइए। बस एक चोंच की कमी है, फिर आप बड़ी क्यूट पेंगुइन लगोगी। और दिखाइए। दिखाइए कमेंट्स। जसपिंदर क्या बात है, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, ये बड़ा फ्रैंक हो रहा है आपके साथ जसपिंदर। किसी लिखा पुरानी साड़ी के अनारकली सूट बनवाए, संपर्क करें शजाद टेलर मालवानी। मेरे पति को अनारकली सूट इतना अच्छा लगता है, कई बार वो खुद पहन के बैठ जाते हैं। और दिखाइए। मोस्ट एक्सपेंसिव अनारकली आई वाज वेयरिंग, अनीता डुंगरे। ऐसी खूबसूरत अनारकली होती है जो बाप बेटे में झगड़े कराती। ओह गॉड। नागिन सी जुल्फे हैं तेरी, इन्हें देख के बीन बजाता हूँ, सच कहूँ तुझे देख के अपनी बीवी को भूल जाता हूँ। और दिखाइए। चूज जॉय एज ऑफन एज पॉसिबल, वाओ ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। वेयर इज दिस जसपिंदर? मैसूर। अच्छा मैसूर। लगता है शेयरिंग के लिए दूसरी सवारी का इंतजार कर रही है। मैडम जी, रिक्शा वाले को पैसे दोगी या गाना सुना दोगी? लंदन की महारानी सस्ती शॉपिंग के लिए चाइना आई है। और दिखाइए। मैडम अच्छा किया जो आपने ई रिक्शा खरीद लिया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। खरीद लिया। और स्टूडियो, स्टूडियो नामा क्या? स्टूडियो नामा। ओके स्टूडियो नामा। दिखाइए कमेंट्स। आर यू रियली इन लव विद योर गिटार और जस्ट स्लीपिंग टुगेदर? जिनको बजानी nice आती है वो nice हमेशा वीडियो बनाते हैं, जिनको नहीं आती वो फोटो खिंचाते हैं। फैक्ट है। That's fact.
back. लगता आज सुबह से बोनी नहीं हुई. और दिखाइए. ओ माँ. ओ यार खत्म हो गए. वाओ. आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं. हम नहीं बिलीव करते. हम सामने से पूछते हैं. जी जी. तो आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं. जस्सी पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जस्सी आपके दोस्तों ने कॉलेज की एक लड़की के नाम पे रखा था. यस. Yes. हैं? क्या किस्सा था वो? मेरा नाम वैसे जस्सू है. अच्छा. जो एक्चुअली जो नाम है वो जस्सू है. तो एक लड़की के नाम से मेरा नाम जस्सी रखा गया. कोई आपकी लाइफ का चैप्टर बिना लड़की की कोई बात ही नहीं होती ना. एक भी नहीं. दिव्या आपके बारे में ये अफवाह कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे. देखते सही थे. बात है. हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे एक्टिंग कोर्स. अच्छा. और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी. ओ. तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे. हमें कहा जल्दी आ सोनाली यहाँ पर शूटिंग चल रही है. सलमान है आमिर एवरीबॉडी इज देयर. शी सेइंग छोड़ना यार हम इनके साथ काम करेंगे. दिव्या आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि पहले आप भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर की बहन का रोल करने से मना कर दिया था क्योंकि आपको उन पे क्रश था. जी मेरे को दो लोगों पे था. दोनों की बहन बना दिया मुझे. एक सलमान और दूसरे फरहान. फरहान. यस. तो जब मुझे याद है राकेश मेहरा ने कहा कि हम मिल्खा जी पे फिल्म बना रहे हैं तो आई वाज वेरी एक्साइटेड. तो ही सेड तेरे लिए बड़ा सुंदर रोल है. आई सेड व्हाट एम आई प्लेइंग. ही सेज यू आर प्लेइंग फरहान सिस्टर. तो मेरा बिल्कुल एकदम फेस एकदम ड्रॉप हो गया. आई सेड आई डोंट थिंक आई. उनके हाथ पे काटा नहीं. ये क्या कर रहे. बच गए. इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं. अच्छा आज हम लोग जैसे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं हर एक का एक फेवरेट त्यौहार होता है तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का कोई फेवरेट त्यौहार कौन सा है और क्यों है. जी मैडम को माइक दीजिए. हेलो कपिल सर. हेलो जी. हेलो मैम. हेलो एवरीवन. क्या नाम है आपका? पूनम. पूनम कहाँ से आई आप? मैं दादर से. मैं मेरे फादर से मजाक. जी एक्चुअली सभी त्यौहार मेरे फेवरेट हैं. अच्छा जी. बट एक स्पेशल त्यौहार को हम बोले जाएं तो होली है मेरा फेवरेट. अच्छा जी. क्यों? उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे लिए. क्या मतलब? क्योंकि हम लोग मैरिड वुमन हैं तो. अच्छा. मैरिड वुमन को समझ. हम लोग मतलब कितने लोग हैं आप? अच्छा आप अपनी बात कर रही हैं. मैं मेरी बात कर रही हूँ. तो मैं मैरिड वुमन तो हम लोग की बहुत सारी बाउंड्रीज होती है कि हम लोगों को इतना ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी रहती है. रिस्ट्रिक्शन रहते हैं बहुत सारे. तो क्या होता है उस टाइम पे कलर लगाया होता है ना तो हम जिसको चाहे उसको कभी कलर वाले फेस से कलर लगा तो सामने वाले को पता नहीं चलता है. तो एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ. तो सामने वाला कौन मतलब पड़ोसी? नहीं जिसको हम लगाना चाहे. जिसको हम लगाना चाहते हैं मगर वो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम लोग उसको लगा नहीं सकते कलर. तो दो साल पहले की बात है. जी. हमारे बिल्डिंग में ऐसे बड़ा से 6 फुट सा बंदा था. अच्छा. और बड़ा सेलिब्रिटी जैसा खुद को फील करवाता था. अच्छा जी. बहुत सारे क्यों क्रश थे हम ऐसे मन में हमको भी पसंद ही था वो. बट वो होली के दिन वैसे कभी नीचे आता नहीं है. बट उस दिन वो नीचे आया तो सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई. सारी लड़कियां उसको ऐसे दौड़ी कलर लगाने. वो सब लड़कियों के झुंड में मैं भी निकली. अच्छा. मैंने भी ऐसे उसको कलर लगा दिया और फटाक से निकल गई उधर से. मैंने एडवांटेज ले लिया वो चीज का. इसके लिए तब से फेवरेट बन गया मेरा. तो अभी अगर वो मान लो हमारा शो उसको पता चल जाएगा ये थी मैडम मेरे को रंग लगा के गई. तो पूनम आप अकेले हैं? पति भी है आपके साथ? नहीं. बड़ा अच्छा किया. शाबाश. आइए बैठ. बहुत बहुत धन्यवाद पूनम. शुक्रिया. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? जी. हेलो कपिल सर. हेलो जी. हेलो अर्चना मैम. हेलो. हेलो मैम. हेलो सर. तो मेरा नाम दक्षा विक्रम जैन है. दक्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल रक्षाबंधन है. अच्छा. क्योंकि आप दक्षा हैं तो आपको रक्षाबंधन उस हिसाब से. नहीं मेरे को दो भाई एक बड़ा एक छोटा है तो उनको राखी बांधती हूँ. उनको राखी बांध के मैं पैसा कमाती हूँ. अगर मेरे को पैसा कमाती हूँ गिफ्ट नहीं देते तो पैसा देते तो उनसे तो देती हूँ. उनसे भी कम पड़ता तो मेरे कॉलेज के दोस्त है उनसे पैसा कमाती हूँ. मैं उनको राखी बांध के सॉरी पैसा नहीं मतलब गिफ्ट्स लेती हूँ उनसे. अच्छा. हाँ तो आपको तो रक्षाबंधन अच्छा लगना ही है. लगना ही है.
उनको बहुत हमारे लिए ना स्कूल में एक लड़की होती थी वो राखियां नहीं लाती थी वो ना धागे वाली रील ले आती थी बड़ी वाली फटाफट आ जाओ ऐसे करती थी मेरे को ना कुकी बाजी की एक बात याद आ गई कहते रक्षाबंधन बड़ा कमर्शियल हो गया मैं क्यों कहते पहले होता था इतना प्यार आजकल तो कहते बहने ना गई राखी बांधने लड्डू का डिब्बा लेके गई भाई ने दिया 100 रुपया तो रास्ते में रिक्शा में बैठी हिसाब ही लगा रही होती है 30 रुपए मेरे जाने के लगे 30 रुपए मेरे आने के 60 का मैंने लिया डिब्बा टोटल हो गए 120 भाई ने दिए 100 मेरे को क्या बचा शुक्रिया दक्षा आप बड़े इनोसेंट हैं आप दिल से बोला मैं उधर पैसा कमाती हूँ और मैं भाई से भी छोटे पैसे देते तो पैसा देते इसके लिए नहीं, बड़ी अच्छी बात है भाइयों को लूटो रक्षाबंधन वाले दिन आपका हक है साइड बिजनेस और कोई हमारे दोस्त हाँ जी नमस्ते कपिल सर नमस्ते जी अर्चना मैम नमस्ते ये कटिंग आपने कारपेंटर से करवाई तलवारों से कटिंग करा के आए तलवारों से क्या नाम है आपका ब्रदर चिराग जैन बहुत बहुत स्वागत है चिराग आपका थैंक यू सर क्या बात है सर ऐसे तो वो फेवरेट नहीं है लेकिन यादगार एक फेस्टिवल है होली अच्छा जी उस दिन ऐसा लगता है कि मैं रोऊं या हंसूं क्यों क्यों क्योंकि वो जिंदगी में आई थी होली के दिन हरा रंग हरा सिग्नल दिया और कोरोना जब आया ना 2020 में ब्रेकअप हो गया सर उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी क्या मतलब क्यों आप सर उसने कोरोना की वजह से आपको क्यों छोड़ गई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही थी सोशल डिस्टेंसिंग फोन तो कर ही सकती थी अरे फोन किया ईमेल किया सब कुछ किया सब जगह पे ब्लॉक हुई सर अभी और एक मेरी रिक्वेस्ट तो चिराग में है तेल बुझ चुका है मतलब मुझे लगता है सर तेल अभी चल रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट एक मैम से है मैम ने इतने प्यार के गाने बनाए हाँ जी एक ब्रेकअप का बना देते हो यार सुन के मेरा लॉकडाउन ऐसे ही चला जाता है तो आप काम क्या करते हैं चिराग शेयर मार्केट एनालिस्ट हूँ सर अच्छा चलिए धन्यवाद चिराग साहब शुक्रिया तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दिव्या जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी खूबसूरत सोच भी रखती हैं जैसे आते ही इन्होंने जो लॉकडाउन पे जो खूबसूरत पोएट्री सुनाई बड़ी खूबसूरत थी और अभी ये जो उनकी बुक है दिव्या जी ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है जी लॉन्च हो चुकी है इसका फॉरवर्ड बच्चन साहब ने दिया और इसकी लॉन्च शबाना जी जावेद साहब ने की और इट्स डूइंग वेरी वेल लेकिन ये जो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है बहुत खूबसूरत है एंड आई थिंक पीपल जस्ट वुड लव टू हैव इट हियर फॉर्मल इनॉग्रेशन हम लोग यहां पे भी कर लेते हैं प्लीज बुक लेके आइए जरा लिख के दो ना द स्टार्स इन माय स्काई वाओ तो ये पेन है दिव्या जी की हाजी पेन दिव्या जी बहुत बहुत मुबारक आपको थैंक यू कपिल दैट मींस अ लॉट टू मी थैंक यू ब्यूटीफुल कांग्रेचुलेशंस वाओ बच्चन साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है मैं जरूर पढ़ूंगा ये बुक थैंक्स थैंक्स अ लॉट थैंक यू आपके पास पंजाबी वर्जन भी आया तो जैसी पाजी को लेके ले जाइए हाँ आइए जी बहुत ही कमाल का नृत्य किया है हमने फिर से आपसे मुलाकात होगी आप यहां पर आ सकते हैं अगर आपकी कोई फिल्म आ रही हो अगर आपका कोई एल्बम आ रहा हो या अगर आपकी कोई किताब भी आ रही हो आप यहां पे आ सकते हैं नमस्कार दिव्या जी कैसी हैं और अगर आपका कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी आप यहां पे आ सकते हैं नमस्कार जस्सी पाजी कैसे और मेरा गाना आ रहा आप लोग जा सकते हो फैंटास्टिक सो नाइस टू सी यू नमस्कार दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई कांट सी यू बट सो नाइस टू सी यू ये हमारे यहाँ के नकली बचपन जी हैं। हाँ तो इतने पैसे में तो नकली ही आएंगे भैया खैर मुझे बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सी मिल जाएगी आप यहाँ बैठ जाइए ना बचपन साहब सब नकली ये क्या चार कुर्सियां क्यों Good. हर दिव्या जी आपकी किताब की बात करते हैं फैंटास्टिक
थैंक यू सर. मुझे एक चीज जाननी थी आई, ये आपकी किताब का जो संस्करण आया है, ये हमेशा संस्करण ही क्यों आता है, संस अर्जुन क्यों नहीं आता? फिर दिव्या जी, आपसे हम बहुत नाराज हैं. सर क्यों? आपने इतनी बड़ी किताब लिखी लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा. लिखा तो है उन्होंने, वो तो ओरिजिनल के बारे में लिखा है ना. आपने जो ये इतनी अच्छी किताब लिखी है, आप मेरा फोन चार्ज कर देंगे? अरे ये इस बात का मतलब, इससे क्या कनेक्शन? कनेक्शन नीचे है वहां पे, आप कर देंगे. अरे ऐसे गेस्ट से आप काम करवा रहे हैं? ओए जाई जाई हे आई चिटी 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 हे ओए हाउ क्यूट. How cute of you. Hey, क्या 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 करी, क्या करी? हाँ. Hey, कह रही है कि आज इसका जन्मदिन है. अच्छा. Wow, happy birthday. Oh. समय समाप्ति की घोषणा. ऊपर वाले का कर्म देखिए, कब पैदा हुई थी, जन्मदिन के दिन निकल गई. इस चीज से हमें एक सीख मिलती है. हे भगवान, मत दबाइए. इस चीज से हमें एक सीख मिलती है कि अगर चींटी का जन्मदिन हो तो इसे दूर रह के ताली बजानी चाहिए. कहीं आपकी ताली में चींटी ना जाए. बचपन साहब, आप करने क्या हैं इधर आज? मैं तो जस्सी पाजी से मिलने के लिए आया था. अच्छा. अरे हमारा बहुत ही याराना है. इनकी सफलता में मेरा बहुत बड़ा हाथ है. आपका हाथ कैसे? मैंने हाथ जोड़ के इनको कहा था, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में. गुजरात आए और दिल लगे कुड़ी गुजरात दी. क्या हुआ? फिर हम एक चीज जानना चाहते थे, जब आप पंजाब से निकले थे तो और किसी स्टेट ने आपको कुछ नहीं चुराया, सिर्फ गुजरात ने ही चुराया. कैसी बातें पूछ रहे हैं आप पाजी से? पता कितने अच्छे सिंगर है वो. अरे हम कब से जानते हैं इनको, मैंने इनको स्ट्रगल करते देखा है. अच्छा. यस, परिश्रम करते देखा है, गानों के लिए हाथ पैर मारते देखा है. और ये बात कम से कम नहीं तो परसों की है. नहीं नहीं, परसों ये फैन से घिरे हुए थे. अच्छा. और ऐसे हाथ पैर मार के वहां से ऐसे निकले. अच्छा. हाँ. कैसा लगा आपको हमारा हास्य विनोद? बहुत अच्छा. अच्छा लगा? हाँ. अगर अच्छा नहीं भी लगा तो हमारे पास आपके लिए दो लाफ लाइन है. कैसे? एक फोनो फ्रेंड. हाँ. दोस्त को फोन कीजिए, उससे चुटकुला सुनिए और खुद ही हंसिए. और दूसरा है 50-50. अच्छा. यस, इसमें 50% आप हंसिए, 50% हम एडिट में डाल देंगे. दिव्या जी, 14 फरवरी को आप क्या कर रही हैं? हमारे पास कुछ वाइन की बोतल थी और कुछ फूल थे. आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम बेचना चाह रहे हैं उनको. अगर आपको सस्ते में ये सब चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें. नकली है ना भैया, घर चलाना है. हो गया आपका बचपन साहब. नहीं, आलू 20 रुपया किलो. हाँ? अदरक 8 रुपया किलो. ये क्या कर रहे हैं आप? मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं. मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं कि अगर अदरक ना होता तो हम चाय कैसे पीते, और अगर गाजर ना होता तो हम लस्सी कैसे पीते. गाजर का लस्सी से क्या लेना देना? जब हम मार्केट में गाजर लेने जाते हैं तो लस्सी पीकर आते हैं.
तो गाजर क्यों लेने जाते हैं आप? जब लस्सी पीने जाते हैं तो गाजर लेके आ जाते हैं है ना? पर लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी हो, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि कोई आजकल फेंकता ही नहीं है। डिजिटल जमाना हो गया है, डिजिटल। हाँ, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे ये बार कोड है, इसमें इस गरीब के लिए थोड़े पैसे डाल दीजिए। ओह माय गॉड, कल की पेमेंट आई लगता है। 150 रुपए। खैर, पैसे भी आ गए और लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, एक चीज कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, ये मजाक तो चलता रहता है। आप हमारे दोस्त हैं जस्सी पाजी जी, खेल के बार जोरदार तालियां होंगे। जस्सी पाजी, लोहड़ी का मौका है और आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, और जसविंदर जी गाना ना गाए ऐसा हो ही नहीं सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.